फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया और वहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। साथ ही कमी पाए जाने पर मौके से ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। खासतौर पर उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण को लेकर जानकारियां हासिल की है। साथ ही जहां स्टाफ की कमी पाई गई है वहां उसे पूरा करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। लॉकडाउन को लेकर विधायक राजेश नागर ने कहा कि हालातों के हिसाब से लॉकडाउन में छूट मिलती रहेगी। देखो, जो यहाँ पर हमारे 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन लग रही है उसके बारे में आज मैं यहाँ दौरे पे आया था और यहाँ बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, सारे लोग बहुत अच्छी मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं और सबको बहुत अच्छा सुचारू रूप से यहाँ पर काम हो रहा है। ऐसे कुछ समस्याएं भी आई हैं? हाँ, उसके लिए अभी एक्शन साहब से और जई साहब से मैंने बात की है। थोड़ा पानी भरा हुआ है तो ये मेरे ख्याल एक दो दिन में इसको ठीक कर देंगे। नहीं, अंदर क्या समस्या है, डॉक्टरों को लेकर क्या कुछ समस्या है अंदर? थोड़ा इनका स्टाफ की वो थी, उसके लिए मैंने SMO और CMO साहब से बात करी, उनको जल्दी दूर कर दिया जाए। डेली कितनी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है? 400 के करीब वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है। क्या लगता है लॉकडाउन का कब तक बढ़ेगा या किस तरह से चल रहा है? देखो, लॉकडाउन तो अभी जैसे हालात रहेंगे उस हिसाब से रहेगा और अभी धीरे धीरे अब लॉकडाउन में थोड़ी कमी भी दी गई और जैसे हालात सही चल रहे हैं, जैसे केसेस कम आ रहे हैं तो लॉकडाउन भी धीरे धीरे हटी जाए। वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र से कम लोग आते हैं तो क्या उनको जागरूक कर रहे हैं? किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं? अब हम कल देखते हैं कि सरपंचों से कह के और चौकीदारों से कह के बुनियादी कराएंगे कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।